हेलो गाइस, सुनो एग्जांपल नंबर 7। डिवाइड 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 बाय 1 प्लस 2x प्लस x² देखिए, ये आप देख रहे हैं कि जो हमारा फॉर्म है पूरा पॉलीनोमियल फॉर्म में है, पर टीए वाला फॉर्म नहीं है। तो उसको पहले हमें क्या करना है, इस फॉर्म को हमें रेडी करना होगा पॉलीनोमियल फॉर्म में। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, इट विल बी x² प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। सो x² प्लस 2x प्लस 1 एंड यहां से इसको करिए तो ये हो जाएगा 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5, ठीक है। इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि आपके पास यहां पर है 3x³ एंड इट इज x² है। मैं फर्स्ट टर्म को कैंसिल करना है, आपको पता है मैंने। तो देखिए 3x³ ओवर x² इसको कैंसिल कीजिए, ये जाएगा x टाइम बच जाएगा तो 3x। इट मींस अगर हम इसमें 3x का मल्टीप्लाई करें तो हमारा फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाएगा। सो इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 3x का। सो देखिए आपको क्या मिल जाएगा, इसका करेंगे मल्टीप्लाई इसके साथ में, सो 3x³ एंड इसका इसे करेंगे तो 6x² प्लस 6x² एंड प्लस 3x, ये हो जाएगा। अब हमको सिंबल चेंज करने होंगे, सो माइनस 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 ऐसे सिंबल चेंज करते हैं। सो देखिए ये कट जाएगा, यहां पर आपको यहां से मिल जाएगा माइनस 5x² एंड इट विल बी माइनस x प्लस 5। अब हमको क्या करना है, हमारी प्रायोरिटी क्या है, इस वाले फॉर्म को फर्स्ट नंबर को कैंसिल करना। सो हम देखिए क्या करेंगे, माइनस 5x² सब रफ में करना होता है हमको, ये रफ वर्क है हमारा। सो माइनस 5x² ओवर x² देखिए इससे जब कैंसिल हो जाए सो इट विल बी माइनस 5। इट मींस अगर हम इसमें माइनस 5 का मल्टीप्लाई करते तो हमारा फर्स्ट टर्म यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। सो हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया माइनस 5 के साथ में, सो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 5x² एंड इट विल बी माइनस 10x माइनस 5। अब हमको ये सिंबल चेंज करने होंगे, सो प्लस प्लस एंड प्लस ये यहां पर कैंसिल हो जाएगा, सो इट विल बी माइनस, देखिए 9x हो जाएगा ये, सो 9x प्लस 10, ये हमारा रिमाइंडर आ गया, ठीक है। अब हमको ये चेक करना है कि जो हमने सॉल्यूशन किया ये हमारा मिस्टेक हुआ या क्या हुआ, तो हमें फिर से वही एल्गोरिथम का यूज करना है और उसको प्रूफ करते हैं। सो हमारा क्या होता है, px इक्वल gx इंटू qx प्लस rx, ये फॉर्मूला है जो हमने बताया हुआ आपको, इससे हम इसको सॉल्व करते हैं। सो देखिए डिविडेंड हमारे पास यहाँ पर क्या है, डिविडेंड हमारे पास है 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 इक्वल, डिविजन हमारे को दिया हुआ है x² प्लस 2x प्लस 1 एंड इट विल बी 3x माइनस 5 प्लस 9x प्लस 10। सो हमको ये पूरे इक्वेशन को सॉल्व करके इसके इक्वल प्रूव करना होगा। सो देखिए 3x³ माइनस 5x² प्लस 6x² माइनस 10x प्लस 3x माइनस 5 प्लस 9x प्लस 10, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, सो 3x³ ये हो जाएगा प्लस x² एंड देखिए ये माइनस 10 प्लस 9 इज माइनस x एंड ये हो जाएगा प्लस का 2x प्लस का 5, जस्ट बिकॉज माइनस 5 प्लस 10 इज प्लस का 5। सो इस स्टेप से जो हमको यहाँ पे प्रूव करना था वह प्रूव किया, ठीक है। सो ऐसे करके हमें इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा।